बर्थडे अलग अलग अंदाजों से मनाते हैं, लेकिन आप अगर बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? खुशी मिल रही है, सुबह से मैं बहुत अपसेट था, अभी बहुत खुश हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है क्योंकि मेरा बेटा भी यहाँ पे नहीं है, हॉलैंड में है। मैं उसको बहुत मिस कर रहा था और मैं हर साल कुछ ना कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मुझे थोड़ा सा सुकून मिले, मैं सोसाइटी के लिए दूसरे लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। हाँ, पार्टी करके इतना स्पेंड करके मतलब नहीं है, वही अगर बच्चों के साथ बांटेंगे, खुशियाँ बांटेंगे तो बहुत मज़ा आता है। आज मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है, 104 FM पे मेरा एक शो लॉन्च हुआ है, भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, जहाँ पे सेम अगेन मैं हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के, वर्ल्ड के जितने भी हिंदुस्तानी और कोई भी जो दूसरी दुनिया में है और यहाँ पे भी है और बॉम्बे में भी है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, उनके निजी ज़िंदगी के जो अपने पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, अगर बॉयफ्रेंड सता रहा है तो मुझे फ़ोन करो, अगर बेटा परेशान कर रहा है तो मुझे फ़ोन करो, अगर बीवी चीटिंग कर रही है तो मुझे फ़ोन करो, अगर पानी नहीं आ रहा है तो मुझे फ़ोन करो, MLA सताता है तो मुझे फ़ोन करो, कोई मंत्री कोई प्रॉब्लम देता है तो मुझे फ़ोन करो, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। फीवर 104 FM पे मेरे शो का नाम है, भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, और मैं नंबर भी आप लोगों को दे रहा हूँ, वो नंबर पे फ़ोन करो, अपना प्रॉब्लम रिकॉर्ड करो और मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ISD के लिए नंबर है 00912261064104। वापस कहूँगा, ISD के लिए नंबर है 00912261064104। STD के लिए है 02-610-64-104। STD के लिए है 02-610-64-104 और लोकल है 610-64-104 तो ये नंबर है। आधी रात को कभी भी फ़ोन करो, अपना प्रॉब्लम उसमें रिकॉर्ड करो, मेरे बस में है, मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। ये शो कब से कब तक आएगा आपका? और ये मुन्ना भाई MBBS से कुछ सिमिलर लग रहा है मुझे। ये मुन्ना भाई MBBS से सिमिलर नहीं है, मुन्ना भाई में वो वैसे ये भी कह सकते हैं कि मुन्ना भाई से सिमिलर है, लेकिन ये शो मेरा एक ड्रीम था, लेकिन मुन्ना भाई में जो भाई का कैरेक्टर है वो इसमें वो संजय दत्त ने प्ले किया था, यहाँ पे असली भाई है, ये कैरेक्टर हिट है, ऑलरेडी जनता को पता है कि ये आदमी वाकई में आधी रात को निकल के हमारे लिए आ सकता है, और मैं ज़रूर आऊँगा, अगर मेरे से किसी का भला होता है, मुझे दुआएं मिलती है, मैं बहुत खुश हूँ। मुन्ना भाई में गांधीगिरी था, यहाँ पे मुझे लगता है एजाजगिरी होगा। नहीं, ये एजाजगिरी 100% एजाजगिरी है, इसमें क्या है ना कि घोड़ों को नहीं मिलती घास, गधे खा रहे चमन प्रास, है कि नहीं, बड़े खड़े छोटे बैठे हैं, बड़े खड़े और छोटे बैठे, पंडित भूखे मर रहे और गधे गुलगुले खा रहे, आदमी का रास्ता आदमी काट रहा है, बिल्लियां सारी बेरोजगार बैठी है, सारे प्रॉब्लम है, सीनियर सिटीजन को परेशान कर रहे, लड़कियों को परेशान कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे, सब जो भी हो रहा है मैं हूँ, मुझे फ़ोन करो, मैंने लिया है ये बीड़ा और मैं उठाया है, और इंशाअल्लाह ताला जितना वक्त मुझे मिला अपनी निजी ज़िंदगी से और उसके अलावा भी मेरा सारा जो फ्री वक्त है वो इन लोगों के लिए। नहीं मेरे भाई, पॉलिटिशियन लोग हेल्प थोड़ी ना करते हैं यार, फ्यूचर में क्या हम, मैं फ्यूचर में कभी पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं भगत सिंह जरूर बनना चाहूँगा, भगत सिंह पॉलिटिशियन नहीं थे, हर रेबल भगत सिंह, नया आज का प्रॉब्लम हुआ तो घर के नीचे मेरे साथ 500 लड़के लेके खड़ा हो जाऊँगा, मुझे इसमें जनता का सपोर्ट चाहिए। क्या होता है, अपनी निजी ज़िंदगी से अपने लोगों से वक्त निकाल के किसी चीज़ को सपोर्ट करेंगे तो ही देश से ये गद्दारी, तब ये भ्रष्टाचारी और ये जो रेप करने वाले कुत्ते हैं, ये जो भेड़िए हैं, ऐसे लोग जो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये रेप करने वालों को रास्ते पे बांध के पत्थर से मारना चाहिए, और हमारे देश में जो बॉम्ब लगाते हैं टेररिज्म वाले, उन लोग को भी हर चीज़ का इलाज है, पर हम सब एक साथ है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि हर वक्त न्यू ईयर होता है या बर्थडे होता है, हर कोई रेजोल्यूशन एक लेता है, एक प्रॉमिस करता है लाइफ से, आपने ऐसा कुछ किया जो आप? मैंने अपनी लाइफ से एक प्रॉमिस किया है, सच कह रहे हो तुम, मैंने अपनी लाइफ से प्रॉमिस किया है कि मैं ब्लेम नहीं करूँगा, मैं ब्लेम नहीं करूँगा, मैं अपने आप पे जो अंदर मेरी जो कमियाँ हैं उसको चेंज करूँगा, मैं दूसरों के लिए ज़्यादा जीना चाहता हूँ, अपने लिए 34 साल से जी रहा हूँ, अब मुझे दूसरों के लिए भी जीना है और मुझे कुछ करना है, अपने देश के लिए भी, अपने लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। मेरी एक फिल्म आ रही है लव डे, जो बहुत ही जल्दी आने वाली है, एकदम रेडी है, अभी हम लोग का लास्ट डे शेड्यूल था, ख़त्म किया, लव डे फिल्म है, वो दोस्ती पे, आजकल जो दोस्ती लोग भूल जा रहे हैं,
BMW वाला दोस्त होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दोस्तों को भी कैटेगरीज दे दी है, तो उस पर फिल्म है कि मैं एक ऐसा दोस्त बनाऊँ जो दोस्ती के लिए जान देता हूँ। दूसरी मेरी फिल्म है झोल कंपनी पब्लिक लिमिटेड, ये सारे NSD के एक्टरों के साथ है, उसमें मैं झोलर बना हुआ, कैसे झोल करता हूँ, कैसे पब्लिक को हीड़ा बनाता हूँ, वो भी है। तीसरी मेरी फिल्म है किंग, मेरे होम प्रोडक्शन की फिल्म है। और एक फिल्म है इकराम अख्तर के साथ आई लव दुबई, पूजा भट्ट के साथ है नर्क, संजय गुप्ता के साथ है मुंबई सागा। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे फैंस की दुआओं से, मेरी माँ की दुआ से और अल्लाह ताला के एहसान से आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, आप मुझे अपना प्यार देते रहिए और इसी तरह मेरा साथ देते रहिए, और नंबर पे फ़ोन करके अपना प्रॉब्लम बताइए और मैं देखिए कैसी वाट लगाता हूँ लोगों की। थैंक यू सो मच।